like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जर्नी टू प्लेसमेंट। जैसे आपने देखा पार्ट वन एंड पार्ट टू क्वेश्चन में सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे, जो अभी हम पार्ट थ्री क्वेश्चंस देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। A and C are seated adjacent to each other and E and B are also adjacent to each other. B is to the immediate left of F. There are two persons between D and E. A is not adjacent to E. Who is to the immediate left of E? Options are C, B, F and cannot be determined. तो चलिए आइए अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एंड एफ छह लोग हैं, आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ये छह लोग सर्कल में बैठे, सबका मुंह सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो ये सेंटर है, हम छह लोग बिठा देते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। ये छह लोग हो गए, सबका सेंटर ये है, सबका मुंह ये साइड आएगा। फिर क्या लिखा, ए एंड सी आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये हमारा एक कंडीशन रहा। दूसरा कंडीशन क्या है, एंड मतलब दूसरा आ गया, ई एंड बी आर ऑल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। चौथा कंडीशन क्या है, There are two persons between D and E. और पांचवा कंडीशन क्या है, A is not adjacent to E. Then who is immediate left of F? ये हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। अभी हम लोग ने क्वेश्चन देखा तो इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशंस हम लोग को किधर से भी मिलते नहीं है, लेकिन इजी ट्रिक है ये कि B is to the immediate left of F. B F के डायरेक्ट बाजू में है, तो इधर मैंने सपोज के F लिखा, तो ये उसका रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। तो एफ के एग्जैक्ट बाजू में कौन है, बी है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। तो मेरा ये वाला कंडीशन हो गया खत्म। अभी हम देखेंगे बी और एफ कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है। तो बी एंड एफ आते हैं सेकेंड में, ई एंड बी आर ऑल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर। ई एंड बी, एडजेसेंट का मतलब क्या, उसके बाजू में। तो E एंड B आर ऑल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब मैं अभी यहाँ पे तो E नहीं लिख सकती बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे F है, तो मेरा आ गया E यहाँ पे। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारा हो गया। अभी E और B कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। फोर्थ कंडीशन देखेंगे, देर आर टू पर्सन बिटवीन D एंड E, E आ गया है। और क्या लिखा है, टू पर्सन मतलब E के और D के बीच में दो लोग है, तो E यहाँ पे है, दो लोग है। और फिर कहा है, डी है, तो यहाँ पे आ गया मेरा डी। तो मेरा फोर्थ कंडीशन भी खत्म हो गया। फिर क्या लिखा, ए इज नॉट एडजेसेंट टू ई। एडजेसेंट मतलब बाजू में, मतलब मैं यहाँ पे ए नहीं लिख सकती हूँ, तो मेरा ए कहाँ आएगा, यहाँ आ गया। और बाकी क्या लिखा, ए एंड सी आर सीटेड ईच एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब मेरा सी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो दोनों बाजू बाजू में है, ठीक है। फिर अभी मेरा हो गया सब बिठा गया। अभी क्या लिखा है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई का ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है, तो क्या बोला है कि एग्जैक्ट ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो बैठा है सी। तो सॉल्यूशन में है सी, तो ऑप्शन में सी है, जी हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आपने सॉल्यूशन देखा कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सो हमारा आंसर आता है सी। आई होप आपको ये जो भी पढ़ाया वो समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू फर्दर गेट द नोटिफिकेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।